स्थिति में आप देख रहे हैं कि 3 M's का बोलबाला है, मनी मसल पावर और मैन पावर। तो जो ईमानदार लोग हैं वो लोग राजनीति से कट गए हैं और राजनीति के जो है अपनी दुनिया में डूब गए हैं। 10-10 साल आपके क्षेत्र में आपके विकास के काम नहीं करते, आपके बीच चुने हुए MP MLA नहीं आते हैं, वो बम्बई में रहते हैं और तीसरे महाशय दिल्ली के हैं, वो 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य हैं, 24 तक अभी टर्म है। अगर किसी कारण से जीत गए तो पटना साहब लोकसभा 5 साल नहीं 25 साल पिछड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग दिल्ली में रहेंगे बम्बई में रहेंगे। मैं जो के व्यक्ति हूँ, मुझे 2-2 बार राष्ट्रपति का पदक मिला है ईमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए। मुझे UNO के द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मैं बेतिया में SP था, तो माननीय मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने भी बहादुरी के लिए मुझे 1 रिवॉल्वर दिया था और प्रशस्ति पत्र दिया था। पुलिस निगम में भी आप देखिए दोस्तों, मैं CM भी था और ये गांधी मैदान थाना जो पीछे खपरा पोस्ट थाना में था, वहाँ 6 मंजिला थाना भवन हमने बनाया ईमानदारी और मेहनत से। उस थाना भवन में लिफ्ट है और पूरे देश भर का सबसे अच्छे थाना भवन में एक है। मैंने विकास के काम किए, मैंने ईमानदारी से काम किया और आज जो है राजनीति दोराहे पर खड़ा है, सबको हाशिए पर ला दिया है। ईमानदार आदमी की कहीं जगह नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना पैसा दिए थाना ब्लॉक के कोई काम नहीं होता है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर मुझे मौका मिला, मैं फतुहा में, दीदारगंज में, दीघा में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाऊंगा, जहां 5,000-10,000 लोगों को, हमारे युवा साथियों को नौकरी मिले, वो बेरोजगार नहीं रहे, तो मैं ये काम करूंगा। मैं सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय बख्तियारपुर फतुहा पटना सिटी में खुलवाऊंगा ताकि बच्चे बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके अलावा एक बड़ा अस्पताल भी बनवाऊंगा कच्ची दरगाह फतुहा में, ताकि बार बख्तियारपुर के तरफ से जो लोग आते हैं पटना आते आते दम नहीं तोड़ते, उनके लिए बड़े इलाज की सुविधा गांव में फतुहा में उपलब्ध रहे, तो मैं ये काम करूंगा। आप हमें MP बना के